माहिरा कैसा लग रहा है आपको? माहिरो हाउ यू फीलिंग नाउ? हम आपको घूमने लेके जा रहे हैं भाई। नॉट गुड। छुट्टी मिली है, सबसे अच्छी बात ये है। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भारत दर्शन पार्क। मेरे साथ मम्मी है, माहिरा मेकअप करवा रही है। मेकअप भी ज़रूरी है भाई, समझा करो। और ये देखिए मेरे पीछे, ये भारत दर्शन पार्क है। सबसे पहले हम टिकट लेंगे। आइए हम टिकट की ओर आगे बढ़े। यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। ये लाल किले का गेट है। माहिरा गाइडिंग स्लोली। मैं कब देखूंगा स्पेस है। ऊपर तक आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है। यहाँ लाइट्स देनी हुई है, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। माहिरा मार्केट क्यों करें? माहिरा एंजॉय करती हुई। माहिरा प्लेइंग विद द फाउंटेन। Come.
बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, और यहाँ पर हमने आकर भी एंट्री किया है कि एंट्री होते इतना मज़ा आना शुरू हो गया है। अभी आप ये मेरे पीछे देखिए, ये वही गेट है जिससे हमने एंट्री हुए, और यहाँ बहुत ही अच्छा फूलों का बगीचा बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा फाउंटेन है, और आपको साथ में एक कुतुब मीनार भी नज़र आ रहा होगा। आई एम फाउंटेन की ओर आगे बढ़े। तो अब हम बढ़ रहे हैं हवा महल की ओर, जो कि आपने जयपुर में देखा होगा पिंक कलर का, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्राउनिश है। मिथाली
पढ़ने में लगी हुई है, उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ देखिए दादी पोती फुल एंजॉयमेंट। आज की सबसे अच्छी खास बात यह आपको। हाँ जी, हाँ जी, अभी यहाँ थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन होने स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए इन्होंने खाली जगह देखकर मौका पाते ही अपना सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया है। तो दादी हाउ आर यू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादी तो कह रही थी मैंने नहीं आना है, लेकिन हमने जबरदस्ती ले आए। सो अब तो पैर का दर्द भी चला गया होगा। लेकिन वो कोई बात नहीं, वसूल हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से बनाया है दोस्तों। अभी हम देखते हैं, अरेंज करते हैं। मजा आ रहा है यहाँ पर। मैं कुतुब मीनार के सामने खड़ा हुआ हूँ और एम्बियंट बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। और आज की अच्छी बात में ये लग रही है कि अब थोड़ा पार्क खाली है, इतना रश नहीं है। अब आप भी आ रहे हो? तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे को निकलते हैं। सो माय यूनिट वाटर अपना फुल मस्त है। महिला आज पूरा कैमरा महिला के ऊपर रहेगा क्योंकि उसकी स्पेशल डे है, टुडे इज हर बर्थडे। I think there is something special. Mahira is an independent girl. Machine is money. Abhi Mahira ko thoda pyaas lag raha hai, to main kuch drinks dilaunga. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एक साउथ का टेम्पल है, आई थिंक दिस इज मीनाक्षी टेम्पल। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्रीन कलर का शेर। आपने अभी तक शेर देखे होंगे, ब्राउन कलर के, भूरे रंग के,
लेकिन ये है ग्रीन कलर का शेर। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ पार्क की। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि हाँ, एक ही जगह पर आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ आई थिंक तमिलनाडु, ये सपोज ये असली में ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है एक डमी के तौर पर। आई थिंक दिस बेसिकली फॉर कि आप इसको देख सके कि वहाँ किस तरह का होगा। यहाँ पे उन्होंने जो बनाया है इसकी कलाकृति या इसके अंदर की जो स्टैचूज हैं बहुत ही सफाई से बनाए हुए हैं। आई थिंक वी शुड मूव ऑन। यहाँ देखिए पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। माहिरा एंड सुप्रिया स्टार्टेड ड्रिंकिंग। लुक एट द डार्लिंग्स। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। सामने वाला सनलाइट है इसलिए डार्क लग रहे हैं आपको सनसेट पे। नहीं, मैं यहाँ कई सारी चीजें इकट्ठी बनाई हुई है, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने सन है। मैं थोड़ा उधर से देखता हूँ, कोशिश कर कवर कर लूँ। हाँ, यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये यहाँ अलग अलग टेम्पल्स कुछ टाइप बनाए हुए हैं इन्होंने। ये भी कोई स्मारक है, इसका यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है। कंपास, वी हैव टू मूव ऑन। तो मदर, हाउ आर यू? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ का टिकट 100 रुपये का है एक जने का, एक जन का 100 रुपये और 50 रुपये बच्चे का है। ₹100 में 4 घंटे बैठ सकते हैं। 4 घंटे बाद अपने हम निकाल देंगे बाहर। आइए हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। यहाँ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ एक फेरो दिखाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ आपको महाबत महल, संचित स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, हामी ट्रेनिंग रूम भी है। जो छोटे छोटे बच्चों बच्चे करके आते हैं उनको फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे की पैसा कम से कम है। पीछे देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत से हमारा देश का राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है। आगे को बढ़े, आई थिंक दिस इज महाबत महल। गुंबद बनाया
आर्किटेक्चर इन लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्डअप किया हुआ है। जैसा आगे से है वैसे ही पीछे से भी है, चारों ओर एक जैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने गेट भी दिखाया है। हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी एक नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बना रखी है। ये देखिए कितनी बेहतरीन सिटिंग बनाई हुई है। आप यहाँ आइए, बैठिए, अपना लंच वगैरह कीजिए, किसी का कोई परेशानी नहीं। ड्रिंक्स ऑन द टेबल। नट बोल्ट से ऐसा लग रहा है कि इंसान बना दिए। ये सब नट बोल्ट का सेम है सर, लोहे के से। ये इन्होंने एक सभ्यता को दर्शाया है कि इस तरह की सभ्यता यहाँ कभी नहीं होगी। मेन चीज आप यहाँ दिखाइए, सिटिंग्स की कोई कमी नहीं है, जितने मर्जी लोग आते यहाँ बैठ सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके आए हैं। दिस इज विक्टोरिया पैलेस। This is in Kolkata, West Bengal. In real, this is like this. This is a white color. And here they make a statue like that. Now I will show you how they built it. दोस्तों ये है विक्टोरिया पैलेस। यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन था तो रानी विक्टोरिया इसी महल में रहा करती थी। ये विक्टोरिया महल है। माहिरा कहाँ है? इलेक्ट्रिकल एलिफेंट, सम सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाइज। ये स्टेज है भाई, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो मायरा, हाउ इज द पार्क? यू एंजॉयिंग ना? दैट्स व्हाई आई गॉट यू हियर। ओके, आफ्टर दैट वी विल गो टू पैसिफिक मॉल। नो, वी हैव नॉट टाइम।
नो अभी मिल जाएगा, मैंने बात कर लिया है। ताजमहल की ओर, इससे पहले ये ताजमहल सफेद हुआ करता था, सफेद हुआ करता था। हम लोगों ने पॉल्यूशन इतना फैलाया कि हमने जब इसका बेचारा काला स्टैचू बनाया तो हमको वो काला बनाना पड़ा। इसे फायदा है, नजर नहीं लगेगी। सबसे पहले ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना पड़ता था, नाउ अब आप दिल्ली में ही देख सकते हैं। देखिए, आप आगरा जाएंगे तो आपको प्रेम का प्रतीक मिलेगा व्हाइट कलर में, और यहाँ ये स्टैचू है ब्लैक कलर में। पैलेस, ये मैसूर का किला है। It will not rain until I order.
राजकुमारी साहिबा उतर रही हैं। मायरा को बहुत जल्दी है आज, मायरा को पता है शाम को यहाँ से पैसिफिक मॉल जाना है, वहाँ पर उसको गेमिंग करनी है। दोस्तों हम आ पहुंच चुके हैं हैदराबाद के चार मीनार में। भाई का फीलिंग टायर्ड, पर हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हमको पहला हमने देखा है चार मीनार, आगे कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो का टेम्पल, फिर वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। सुप्रिया, हाउ डू फील लाइक चार मीनार, इज इट गुड? मायरा हाइडिंग, यही खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। ये ओपन इसलिए है क्योंकि ये रास्ता है, यू कैन गो थ्रू देयर। ये देखिए अंदर से, वी हैव वन और टू मोनूमेंट्स ओनली। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो ये स्टैचू और बनाया हुआ है इन्होंने, दिस इज कोणार्क टेम्पल। एग्जैक्टली आई डोंट नो इट इज सिचुएटेड बट माइट बी इन साउथ समवेयर। दोस्तों उन्होंने जो बनाए हुए हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, पूरी मेहनत से बनाया है, कोई कोई भी कहीं पे कोई लापरवाही नहीं करी गई है, डिज़ाइंस का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है।
साउथ की चीज़ों का अपने यहाँ बहुत कलाकृति किया हुआ है। ये भी एक तरह का टेंपल ही नज़र आ रहा है। पड़ा होगा इसके बारे में आई एम श्योर। नाउ वी आर शिफ्टेड टू अल्ट्रा वाइड एंगल। मैं आपको चारों ओर से घूम करके दिखाता हूँ। से नहीं हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।